तारे जिनमें होती है उनमें कॉमन अंदर बना हुआ होता है, और जिनमें चार तारे होती हैं तो उनमें, ये देखें हमने दो कलर को मिला के रनिंग स्टार्टिंग यानी दोनों मिला के कॉमन बना दिया, और ये देखें ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग है। तो ये टाइमर से जो तार आ रही है कैपेसिटर से होते हुए येलो तार, ये हम यहाँ पे लगा देंगे इन दोनों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, वॉशिंग मशीन के टाइमर के कनेक्शन पे मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं और आप भाइयों ने उसे बहुत पसंद किया है। दोस्तों, एक बार फिर मैं वॉशिंग मशीन के टाइमर, सिलेक्टर और पूरी वायरिंग का कनेक्शन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज इस वीडियो में हम वॉशिंग मशीन के ए टू जेड पूरे कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये एक वॉशिंग मशीन का ऊपर वाला कवर है और इसे मैंने निकाल के रखा हुआ है, और इसमें आप ये देखें, इसमें एक टाइमर और ये कैपेसिटर और ये एक लाइट लगी हुई है, ये घंटी लगी हुई है, और साथ में ये देखें एक सिलेक्टर भी है। तकरीबन वॉशिंग मशीन में यही सब चीज़ें लगी हुई होती हैं और अलग अलग तरीक़े से होती है, तो मैं आप भाइयों को आज एक सिंपल और सादा तरीके से इसका कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, इसके कनेक्शन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वायर जो ब्राउन कलर की लग रही है, वैसे ये ब्राउन भी पूरी तरह से नहीं है। तो इस वायर, ये ज़्यादातर दूसरे टाइमर में ग्रे कलर की वायर होती है। आप अगर इसको ऐसे देखें तो ये देखें सेंटर, सेंटर में ब्लैक तार है, यहाँ पे आपको ब्लू तार नज़र आ रही है, और ये ग्रे तार आमतौर पे होती है, लेकिन इस टाइमर में इस वायर का कलर थोड़ा मुख्तलिफ है। तो ये तार देखें, ये टाइमर के तीन पॉइंट्स होते हैं, आप देख सकते हैं ये एक दो, और ये नीचे में एक लगा हुआ है, ये तीन। तो सबसे पहले हम इस वायर को यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा तार है उसे हम काट देंगे, और हमें इस कवर के अंदर से तार को गुजार के लगाना है कि बाद में ये कवर बंद हो जाए। ये देखें, यहाँ से ये ब्राउन कलर की तार लग गई है, जिसे आप ज़्यादातर ग्रे कलर की तार होती है, इसे आप ब्राउन समझ लें या ग्रे समझ लें। और अब हम यहाँ से ये रेड वायर उठाएंगे। बस आप ये निशान रखें कि ये जो फर्स्ट टाइम तीन तारे हैं, ब्लैक और ब्लू और ये ब्राउन, तो यहाँ से सबसे किनारे वाला ये ब्राउन तार है, इसे हमने यहाँ सिलेक्टर के नीचे वाले हिस्से में दिया है। अब हम यहाँ से ये तार लेंगे, अगर आप ब्रेक तार भी इसे दे सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे ब्रेक तार दे भी दे सकते हैं, लेकिन ये ब्रेक तार और ये दूसरी ये ब्राउन तार आपको नज़र आ रही है, ये दोनों तार जब हम टाइमर ऑन करते हैं तो इस तरह मिल जाती है, सप्लाई दोनों में ही होती है। अब हम यहाँ से सबसे पहले रेड वायर लेंगे और इस जगह पर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने लाल तार लगा दिया है, लेकिन एक गलती मुझसे ये हुई है कि मैंने कवर के, सिलेक्टर के कवर के अंदर से नहीं गुजारा है, तो मैं तार को दोबारा खोल रहा हूँ और यहाँ से लगाता हूँ। अब ये तीसरी तार, ये देखें दो येलो है, एक डार्क येलो है, एक लाइट येलो है, तो कोई भी तार, एक तार आप ले लें, चाहे ये ले लें या ये ले लें, एक ही बात होगी। तो ये भी हम यहाँ से गुजार के और इसे इस जगह पे लगाएंगे। अब ये देखें, मैं यहाँ से इसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा तार को काट देता हूँ। हमें इस तार को यहाँ पे लगाना है, देखें दोस्तों, ये सिलेक्टर का कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है, और अब हम इस सिलेक्टर को बंद कर देंगे। फिर से मैं समझा दूं, ये देखें एक रेड वायर यहाँ पे लगी हुई है, ऊपर वाले सिलेक्टर के ऊपर वाले इस तरफ लेफ्ट के साइड पे, और राइट साइड में ये येलो तार लगी है, और नीचे
ये आप देख रहे हैं कि ग्रे तार है या इसे ब्राउन कह लें, ज़्यादातर ये ग्रे कलर की तार होती है। तो अब हम इसे बंद कर देंगे और अब आ जाते हैं। तो ये देखें एक येलो तार है, येलो तार का ताल्लुक सिर्फ ये कैपेसिटर से होते हुए डायरेक्ट मोटर के स्टार्टिंग में चली जाती है। तो हम इसे यहाँ से काट देंगे और इसे यहाँ पे लगा देंगे। और ये एक कैपेसिटर की तार यहाँ पे लगती है, ये दूसरी जो लाइट येलो है इसमें हम 20 से कट देके यहाँ पे लगाते हैं। जिन भाइयों ने मेरा पहले का वीडियो देखा हुआ है तो उन्हें उनके लिए तो ये काम बहुत आसान होगा। जो भाई ये पहली दफ़ा देख रहे हैं तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप इसे गौर से देखेंगे तो आप इसे आपको समझ में आ जाएगी। देखें दोस्तों, ये ब्लू वायर ये सिर्फ घंटी के लिए होती है। घंटी में हम न्यूट्रल या फेस ला के पहले से दे देते हैं और ब्लू वायर घंटी की एक साइड पे लगा देते हैं। जब ये टाइमर अपनी राउंड पूरी करके बंद होती है उस वक्त इसे घंटी में भी लाइन आ जाती है और घंटी बज रही होती है। अब रह गया दोस्तों ये एक ब्लैक वायर, और यहाँ पे एक वायर स्टार्टिंग की लगेगी, यहाँ पे एक वायर मोटर की रनिंग है स्टार्टिंग की, एक वायर यहाँ पे लग जाएगी और एक यहाँ पे रनिंग है स्टार्टिंग की तार लग जाएगी। उसके बाद ये दोनों हिस्से मुकम्मल हो जाएंगे। बाहर से जो दो तार आ रही है उसमें से एक तार मोटर के कॉमन में कनेक्ट होते हुए ऊपर आएगी और यहाँ पे लगाएंगे हम। ये देखें ये दोनों एक बल्ब का है और एक घंटी का है, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी बल्ब का है। तो ये बल्ब को हम इसमें दे देंगे यहाँ पे, इस ब्लैक वायर को भी मैं काट देता हूँ यहाँ से। देखिए दोस्तों, कनेक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब इसे चलाना कैसे है कि ये देखें, ये तो ब्लू वायर का काम खत्म हो गया, इसे भी हम टेप पहले कर देंगे। दोस्तों अब ये देखें, ये लीड है जो वॉशिंग मशीन के अंदर से मोटर में जाती है, मोटर के रनिंग स्टार्टिंग में। तो इन लीडों को हम कहाँ लगाएंगे ये देख लें आप। ये एक हमने कैपेसिटर में लगा दिया है और दूसरा ये देखें, यहाँ पे भी कैपेसिटर की तार लगी हुई है, ये तार सिलेक्टर में जा रही है येलो तार, तो यहाँ पे हम इसे लगाएंगे। सिर्फ चार तारों को हमने समझना होता है, ये इतना मुश्किल कनेक्शन नहीं है। अब इन दोनों को हम टेप कर देंगे, यहाँ से इनका भी काम खत्म हो जाता है। ये दोनों तारे मोटर के में जाके मोटर के रनिंग स्टार्टिंग में लगेंगे। पहले इन सब तारों को मैं टेप कर ले रहा हूँ कि हमें आसानी हो जाए बाद के काम में। देखिए दोस्तों, ये रनिंग स्टार्टिंग के तार हो गई और यहाँ पे जैसे लगाया गया वो भी तरीका आपने देख लिया। अब ये देखें, ये रेड वायर है, ये भी नीचे जाएगी मोटर में, तो हम इसे यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखें, ये एक तार हम सिर्फ ये न्यूट्रल लाएंगे ये बल्ब और घंटी को लेन देने के लिए। इसे भी हम टेप करेंगे। ये देखें, ये तार इसमें लग के ये डायरेक्ट बाहर जाएगी, ये तार ये ब्लैक टाइमर के ब्लैक वायर में लगी हुई है और ये लाइट में लगी हुई है। तो ये तार हम यहाँ पे जोड़ेंगे और ये तार का काम होगा डायरेक्ट बाहर से आके।
मेन सप्लाई जो प्लग होती है वहां से उस दो मेन लीडों में एक तार में ये लग जाएगी। जी दोस्तों, ये मोटर है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मोटर में अमूमन चार तारे होती हैं, बाद में तीन तारे होती हैं। तो तीन तारे जिनमें होती है उनमें कॉमन अंदर बना हुआ होता है, और जिनमें चार तारे होती हैं तो उनमें ये देखें हमने दो कलर को मिला के रनिंग स्टार्टिंग यानी दोनों मिला के कॉमन बना दिया, और ये देखें ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग है। तो ये टाइमर से जो तार आ रही है कैपेसिटर से होते हुए येलो तार, ये हम यहाँ पे लगा देंगे इन दोनों में, इसका किसी से कोई कंटेक्ट नहीं है। ये सिर्फ मोटर के रनिंग स्टार्टिंग में कोई भी किसी में लगा दें, ये यहाँ पे लग गया। ये मोटर मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है कि आपको आसानी से पूरा कनेक्शन समझ में आ जाए, वरना आमतौर पर ये मोटर नीचे मशीन के लगी हुई होती है तो पूरा कनेक्शन मैं आपको दिखा नहीं पाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये टाइमर वाली तार आके जो कैपेसिटर में लगी हुई है वो तार आके यहाँ पे मोटर के रनिंग स्टार्टिंग में लग गई है, और ये तार जो है ये देखें जो बल्ब में तार लगी हुई थी वो तार हम ला के यहाँ पे लगा देंगे मोटर के कामन के साथ। ये हमने लगा दिया, इन दोनों का काम खत्म हो गया, इन दोनों को हम टेप कर देंगे, तो इनको हटा देते हैं। अब सिर्फ ये कॉमन का काम रह गया और ये दो तार, ये एक तार रह गई। अब ये दो तारे हैं, इनमें मेन तार लगाना है। जिस तरह ये आप देखें ये मेन तार है, बाहर से जो मेन तार वॉशिंग मशीन में लगी हुई होती है, ये मेन लीड है, तो हम इसे यहाँ पे एक लगा देंगे। ये देखें ये लाइट में गई हुई है रेड वायर, सिर्फ हमने लाइट के कनेक्शन के लिए हमें उसे न्यूट्रल या फेज कोई एक देना है, तो हम यहाँ से दे देंगे कि मोटर में भी न्यूट्रल चली जाए और लाइट में भी चली जाए। और ये ब्लैक वायर में लगी हुई है ये वायर, तो हम इसे यहाँ पे ये बाहर के लाइन में सप्लाई में जोड़ देंगे। दोस्तों जैसे ही हम प्लग को सॉकेट में लगाएंगे इलेक्ट्रिक के सॉकेट में, तो सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, और ये सप्लाई ये देखें मोटर को न्यूट्रल मिल जाएगा, और इस तार के जरिए बल्ब को भी न्यूट्रल मिल जाएगा, घंटी को भी न्यूट्रल मिल जाएगा। अब इसे फेज देना है, तो फेज टाइमर से घूम के आएगी। ये देखें ये तार जा रही है टाइमर में, यानी ब्लैक वायर में जा रही है टाइमर में, टाइमर से घूम के ये सिलेक्टर में जाएगी, और सिलेक्टर के जरिए ये यहाँ से कंट्रोल हो गई। ये देखें ये दो तारे जो आ रही है टाइमर से, ये मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड करेगी। तो इस तरह मोटर का पूरा कनेक्शन होता है, मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये सीरीज बोर्ड है और इसमें मैंने प्लग लगा दिया है, और आप जैसा कि देख रहे हैं कि अंदर लाइट जल रही है। अब मैं टाइमर को ऑन कर रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं लाइट ऑन हो चुकी है, इसका मतलब है कि एक तरफ सप्लाई जा रही है। ये देखें लाइट ऑफ हो गई है, अब मशीन दूसरी साइड पे घूमेगी, चंद ही सेकेंड में ये दोबारा ऑन हो जाएगी लाइट। ये देखें ये लाइट ऑन हो चुकी है, टाइमर सही काम कर रहा है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये था दोस्तों वॉशिंग मशीन के टाइमर सिलेक्टर और वॉशिंग मशीन का पूरा कनेक्शन का तरीकाकार जो आपने देखा। अगर किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरी दूसरी वीडियो को भी देख सकते हैं, टाइमर के मुताबिक मैंने और भी कई वीडियो बनाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।